हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सुजीत कुमार और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो प्रैक्टिकल हो या किसी के टॉपिक के ऊपर लेक्चर हो, वो मैं सब हिंदी में समझाने का कोशिश करूंगा जो आपके लिए समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है उसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ हेमिन क्रिस्टल ऑफ फिश एंड ह्यूमन। तो हम लोग आज जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो हेमिन क्रिस्टल प्रिपरेशन करने वाले किसका, फिश एंड ह्यूमन ब्लड का। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें। रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। पहले हमें चाहिए ग्लास स्लाइड चाहिए। सेकंड हमें चाहिए कवर स्लिप। थर्ड हमें चाहिए स्पिरिट लैम्प। फोर्थ हमें चाहिए ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल किसका चाहिए हमें, फिश एंड ह्यूमन का। फिश एंड ह्यूमन का हम लोग को क्यों ब्लड चाहिए सैंपल, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे जो फिश का जो हेमिन क्रिस्टल है वो कैसा होगा कंपेयर टू डेट ऑफ अ ह्यूमन के। तो इसलिए हमने फिश और ह्यूमन का जो ब्लड है दोनों को ही लेना है। ये हो गया हम लोग का ब्लड सैंपल। फिफ्थ जो है हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, जो है NaCl हमें चाहिए। सिक्स्थ डे में हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमें चाहिए। और लास्ट हमको हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये छेटो हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ये छेटो रिक्वायरमेंट का आवश्यकता है, दरकार है, ये चाहिए। तो हम प्रोसीड्योर से पहले हमें जान लेना पड़ेगा इस एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट का, इस प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम लोग पहले प्रिंसिपल जान लेते थे, प्रिंसिपल क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोसीड्योर कैसे करते हैं इस प्रैक्टिकल को, ठीक है। सब देख सकते हैं अभी हम लोग सीखते हैं प्रिंसिपल, जो मैं प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल में क्या है इसमें देख सकते हैं, जो हेमिन का बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो हेमिन हेमिन क्या है, तो हेमिन जो लास्ट में जो फॉर्म होगा हेमिन इज ए प्रोटो प्रोफायरिन नाइन कंटेनिंग फेरिक आयन, कंटेनिंग फेरिक आयन विथ ए कोऑर्डिनेटिंग क्लोराइड लिगन। तो इसमें क्या है, जो प्रोटो प्रोफायरिन जो नाइन है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पिलर जो रिंग है, ये है पिलर। जो यहाँ क्या होता है, जो फोर जो पिलर रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पिलर रिंग सब यूनिट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द हेमिन। सो इट इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाते हैं हेमिन, और वी कैन से द क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं प्रोटो प्रोफायरिन नाइन से जाना जाता है। और इसमें हम लोग क्या है, इसमें आयरन किस स्टेट में होते हैं, इसमें आयरन होता है फेरिक स्टेट में। तो फेरिक स्टेट क्या होता है, फेरिक स्टेट वो होते हैं जहाँ से आयरन एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। कब होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो क्या होता है, 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देता है, इसलिए इसको फेरिक स्टेट में होता है आयरन, फेरिक स्टेट में। और इसमें क्या है, ऊपर लिगांड है, किसका लिगांड है, क्लोराइड का लिगन है। ये है हेमिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये हेमिन स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो हमें जानना है। कहाँ से जानेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, ये है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में क्या है, जो हेमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड क्रोमोप्रोटीन होता है, इज अ कंजुगेटेड क्रोमोप्रोटीन कंपोस्ट ऑफ हेमी एंड ग्लोबिन, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हेमिन जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है। अभी क्या हुआ, अभी जो हमारा जो ये
हेमिन जो है, हेमिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन, ये देख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द हेमिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये जो हेमिन है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन दैट इज हेमी, ये क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वो बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ फोर पिलर रिंग्स से ये बना हुआ रहता है, फोर पिलर रिंग से ये बना हुआ रहता है हेमिन, ठीक है। विच कंटेन आयरन इन द सेंटर इन ए फेरस स्टेट, आप देख सकते हैं आयरन है इसमें, इसमें देखते हैं आयरन है सेंटर में जो फेरस स्टेट में है, फेरस स्टेट में इसलिए है ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये आयरन अपना दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, कैसे, बाय द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद ये अपना दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। ये है हेमिन का स्ट्रक्चर। अभी जब हमें जो एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, प्रोसीड्यूर जब करेंगे, उसमें क्या होता है, जो हमें उसको वो NaCl देने के बाद हम ग्लेशियल एसिटिक देते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तब हम उसको थोड़ा हीट करना पड़ता है, अबव द स्पिरिट लैम्प के ऊपर हम लोग हीट करते हैं, तब क्या होता है, जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन पार्ट है, तो प्रोटीन पार्ट जब हीट होता है तब क्या होता है, वो डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन जो हेमी है, जो हेमी पार्ट है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो हीट करते हैं किसके साथ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ हम लोग जब हीट करेंगे, ये भी हीट करते हैं, लेकिन ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होने के कारण वो डीनेचर हो जाता है, लेकिन जो हेमिन है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जब वो हीट होता है विथ द जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज्ड हेमी में कन्वर्ट होता है, तो ऑक्सीडाइज हेमी को हम लोग बोलते हैं हेमाटिन। तो ये क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaCl किसमें कन्वर्ट हो गया, हेमाटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हेमाटिन क्या है, वैसे हम जान लेते हैं, जो हेमाटिन एक तो डार्क ब्लूइश और ब्राउनिश पिगमेंट होता है, जहाँ जो फेरा जो आयरन होता है वो इन अ फेरिक स्टेट में होता है, फेरिक स्टेट में, जब पहले ही बोल चुका हूँ, जो मैंने बोला हेमिन में बोला, जो रिजल्ट हमारा निकलेगा हेमी, तो मैं पहले बोल चुका था, फेरस क्या होता है, वो फेरिक क्या होता है, जो अपना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, जो हेमी हम देख चुके हैं, जो फेरस में था, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद, जो हेमी ऑक्सीडाइज हेमी होने के बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद और एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, मैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, उसके लिए वो कन्वर्ट हो गया फेरिक स्टेट में, वो आयरन कन्वर्ट हो चुका है इन हेमाटिन में। अभी इसमें हम देखते हैं जो आयरन होता है इन हेमाटिन में, ये आयरन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है इन हेमाटिन में, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी क्या होगा, जो हेमाटिन है, हेमाटिन किसके साथ कंबाइन करेगा, हेमाटिन कंबाइन करेगा किसके साथ, हेलोजिन के साथ, जो होगा क्लोराइड आयन। तो हेमाटिन क्या होगा, हेमाटिन कंबाइंस विथ हेलोजेन सच एज क्लोराइड। तो हेलोजेन क्या है, हेलोजेन हम लोग जब भाग कर ले, तो हेलो का मतलब है सी सॉल और जेन का मतलब है फॉर्मेशन, मतलब सी सॉल फॉर्मेशन होता है हेलोजेन, और हेलोजेन जो होता है एलिमेंट है किसका, 6 एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हेलोजेन हमारा 6 होता है, 6 हेलोजेंस आर देयर, क्या क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, एस्टेटिन, टेनिनसिन एंड आयोडीन, ये 6 हेलोजेन प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और ये 6 होता है हेलोजेन, ठीक है। उससे वहाँ से क्या होगा, जो क्लोराइड आयन बाइंड होगा किसके साथ, बाइंड होगा हेमाटिन के साथ, बाइंड होगा मतलब बाइंड बा कंबाइंड होगा हेमाटिन के साथ,
जब ये कंबाइन होगा हेमाटिन के साथ, जो हेलोजन जो क्लोराइड आयन जब कंबाइन होगा हेमाटिन के साथ, क्या फॉर्म करेगा? इनसॉल्यूबल हेमिन फॉर्म करेगा, इनसॉल्यूबल हेमिन क्रिस्टल जो होगा हमारा रोम्बिक क्रिस्टल, जो होगा हमारा रोम्बिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, जिसका कलर ब्राउनिश कलर का होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, जो ये हेमिन फॉर्म हो गया हेमाटिन से। क्या पहले हम लोग फिर से थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ, जो हेमिन हेमिन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड एंड NaCl, ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या हुआ, जो ग्लोबिन पार्ट जो प्रोटीन का था वो क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। जो हेमिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा इन्हें ऑक्सीडाइज्ड हेमी में, जिसका नाम होता है हेमाटिन, जिसमें आयन जो होता है वो फेरिक स्टेट में होता है, जो मैं बोल चुका हूँ, जो फेरिक मतलब होता है जो तीन इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर चुका है। कौन लॉस कर चुका है? हमारा आयरन लॉस कर चुका है ड्यू टू ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के कारण। अभी क्या होगा, ये जो हेमाटिन है इन कंबाइंस होगा, किसके साथ कंबाइंस होगा? क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, अभी क्लोराइड आयन का क्या होता है, वो हेलोजन का भाग होता है। अभी जब ये हेमाटिन क्लोराइड जो हेलोजन का भाग है, जब इसके साथ कंबाइन होगा क्या फॉर्म करेगा? इनसॉल्यूबल रोम्बिक क्रिस्टल ऑफ हेमिन फॉर्म करेगा, इनसॉल्यूबल हेमिन क्रिस्टल ऑफ इनसॉल्यूबल रोम्बिक क्रिस्टल सॉरी रोम्बिक क्रिस्टल फॉर्म करेगा, इनसॉल्यूबल रोम्बिक क्रिस्टल ऑफ हेमिन फॉर्म करेगा। अभी क्या है, जो ये है हम लोग का फुल प्रोसेस, कैसे हेमिन क्रिस्टल फॉर्म होता है हेमिन से, और कैसे हेमोग्लोबिन से कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अभी जो ये जो हेमिन है ये ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक है, हेमिन क्रिस्टल एक तो हमारा जो ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये हमारे लिए जो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, इट यूज एज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड स्टेन, किसका, ये हेमिन क्रिस्टल यूज एज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड स्टेन। ठीक है, हमें ब्लड स्टेन को जानने के लिए ये हेमिन क्रिस्टल यूज करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ इस एक्सपेरिमेंट का, जो प्रिंसिपल है मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जो होता है प्रोसीड्योर। तो हमें जान लेते हैं ये जो पूरा प्रैक्टिकल करते कैसे हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं प्रोसीड्योर। अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर में कैसे हम इस प्रैक्टिकल को करें अच्छे से, शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे करें, परफॉर्म कैसे करें इस प्रैक्टिकल को। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये ब्लड सैंपल फ्रॉम फिश एंड ह्यूमन आर टेकन एंड अलाउड टू ड्राई इन एयर। इसका मतलब क्या है, जो ब्लड सैंपल फिश से और किसी ह्यूमन व आदमी से ब्लड सैंपल लेके उसको क्या करना है, एयर ड्राई करना है, हम लोग को उसको ड्राई करना है एयर में। ठीक है, यह पहला पॉइंट हो गया हम लोग का, पहला पॉइंट हो गया। तो सेकेंड पॉइंट क्या करना है हमें, देन द ड्राइड ब्लड इज मेड टू ए फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ ए नीडल। अभी जो स्लाइड में जो ड्राई हम लोग तो ब्लड तो हम लोग लेंगे स्लाइड में ना, फिश का हो बा ह्यूमन का, स्लाइड में लिए। ठीक है, स्लाइड में लेने का बाद उसको एयर ड्राई कर लिए। अभी एयर ड्राई करने का बाद अभी क्या करेगा, जब वो सूख जाएगा ब्लड, अभी क्या करना है हमें, वो ब्लड को वो एटो नीडल लेके, जो हम लोग का डाइसेक्शन बॉक्स में रहता है, उस नीडल के द्वारा सहायता से हम लोग उसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट नीडल हम लोग उसको मिक्स करेंगे, पाउडर ही बना लेंगे, एकदम पाउडर जैसा बना देंगे उस ब्लड को, सूखा हुआ ब्लड को। ठीक है, अभी उस ब्लड को हम लोग पाउडर बना दिए विद द हेल्प ऑफ द नीडल, हमारा सेकेंड जो स्टेप है वो भी हो गया है। अभी क्या करना है उसमें, वो जो जो स्लाइड में जो पाउडर हमने जो ब्लड को पाउडर बना दिए, अभी क्या करना है उसमें, 1 or 2 क्रिस्टल ऑफ NaCl इज मिक्स्ड थोरोली विद द ब्लड स्क्रैपिंग। जो ब्लड स्क्रैपिंग क्यों बोले, उस जो पाउडर बना दिया उसको बोलते हैं ब्लड स्क्रैपिंग। अभी उसमें जो ड्राई पाउडर जो ड्राइड जो पाउडरी जो ब्लड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 or 2 मैक्सिमम एक ही देना चाहिए, वो सबसे अच्छा होगा।
क्या करेंगे, एक क्रिस्टल देंगे NaCl का, NaCl का एक तो छोटा सा क्रिस्टल हम देंगे उस पाउडर ब्लड सैंपल में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा पीस के, थोड़ा जब वो पाउडर जैसा हो जाएगा NaCl का एक तो क्रिस्टल, उसका हम वो ब्लड के साथ मिक्स कर देंगे, स्लाइड में स्लाइड के जो ब्लड है उसके साथ मिक्स कर देंगे ड्राइड ब्लड पाउडर ब्लड के, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर पॉइंट भी हो गया। अभी क्या करना है, वो जो आफ्टर द मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद NaCl के साथ, अभी क्या करना है, उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमें उसमें दे देना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो देन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज एडेड टू द स्लाइड कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ NaCl एंड स्क्रैपिंग ऑफ ब्लड एंड ए कवर स्लिप इज एडेड ओवर इट। अभी क्या करना है हमें, वो जो NaCl देने का हो गया, देने का बाद क्या करना है हमें, उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, उसमें ऊपर से कवर स्लिप दे देना है, ढक देना है, कवर स्लिप से ऊपर दे के ढक देना है उसको सैंपल, ठीक है। यह तो हमारा ये फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या करना है आप देख सकते हैं, जो जेंटली द स्लाइड इज हीटेड ओवर द फ्लेम लो फ्लेम। मान लीजिए ये, मान लीजिए ये हमारा जो स्पिरिट लैम्प है और ये है हमारा वो क्या बोलते हैं स्लाइड, जिसमें हमारा ब्लड सैंपल है। अभी क्या है, उस ब्लड सैंपल जो स्लाइड को धीरे धीरे इसे इसे उस फ्लेम में हम लोग करने वाले हैं। डायरेक्ट आप अपना स्लाइड को फ्लेम के ऊपर मत रखिएगा, जो वो क्या होगा उससे अपना जो ब्लड सैंपल है वो जल जाएगा। तो क्या करना है, उसको धीरे धीरे से इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मूव करके, थोड़ा धीरे धीरे मूव करके, धीरे धीरे गर्म करके उसको गर्म करना है। किसके ऊपर, वो स्पिरिट लैम्प के ऊपर ऐसे ऐसे करके हमें धीरे धीरे उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा वो उसमें बबल्स आना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा बबल्स, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बबल्स आना शुरू होगा, तब उसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी हम लोग को तो उसी तरह हम लोग का जो फिफ्थ स्टेज हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेज भी कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, लास्ट जो स्टेप है, हमें क्या करना है, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, ऑब्जर्व करना है, जो वहाँ हेमिन क्रिस्टल फॉर्म हुआ कि नहीं। तो हेमिन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कैसा होता है, तब हम उसको परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। अभी अभी देखते हैं, ये है डायग्राम, ये है हेमिन क्रिस्टल ऑफ फिश और ये हेमिन क्रिस्टल इन मैन ह्यूमन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे इन लोग का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है इन लोग का। ये थोड़ा रोम्बिक शेप में है, थोड़ा ये काटा हुआ शेप में है, ये है ऐसा शेप होता है हेमिन क्रिस्टल इन फिश का। उसी तरह हम यदि ह्यूमन का, मैन का देखते हैं तो क्या किस शेप में है आप देख सकते हैं, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में होता है ये सब, देख सकते हैं कैसा शेप है। तो इसलिए हम हेमिन क्रिस्टल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किस लिए, तो वो हमें आइडेंटिफिकेशन कराता है दूसरे एनिमल के साथ। तो आप देख सकते हैं फिश का हेमिन क्रिस्टल टोटली डिफरेंट होता है मैन और ह्यूमन के साथ, तो ये है डिफरेंस। इसलिए हेमिन क्रिस्टल करते हैं, तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन कराता है जो कौन सा ब्लड ह्यूमन का है और कौन सा ब्लड दूसरे एनिमल्स रेदर देन ह्यूमन का होता है, मतलब कौन सा ब्लड ह्यूमन का है और कौन सा ब्लड दूसरे जंतु जानवर का होता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसीड्यूर तो हम लोग जान लिए, स्ट्रक्चर भी हम लोग को मालूम हो गया। जब हम लोग ये करेंगे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली जब करेंगे तो हम लोग ये सब याद रखेंगे, स्ट्रक्चर प्लस क्या बोलते हैं प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर याद रखेंगे। और जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे यदि ऐसा डिफरेंट स्ट्रक्चर निकला तो हम लोग बोल सकते हैं ये फिश का है और ये ह्यूमन का है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल ये करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं कहा था जो प्रोसीड्यूर में कैसे करना है और रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए सब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सब चाहिए हमें, सोडियम क्लोराइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, स्पिरिट लैम्प तो चाहिए,
ह्यूमन ब्लड भी है और ये वाला है फिश ब्लड, ठीक है। नीडल्स भी है और माइक्रोस्कोप भी रेडी है पूरा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इस जो फिश ब्लड है, इस फिश ब्लड को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पाउडरी स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। तो पाउडरी स्ट्रक्चर करने के लिए हमें क्या करना, विद द हेल्प इसका सहायता से, नीडल का सहायता से हमें इसको स्क्रैप करना पड़ेगा। ऐसे स्क्रैप करना ही पड़ेगा इसको, तो इसको पाउडरी शेप में लाना है। मैं स्क्रैप कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं जो मैंने क्या किया, ये जो फिश ब्लड है उसको मैं स्क्रैप करके पाउडरी का जैसा बना दिया। ये है फिश ब्लड, इसको मैं पाउडरी जैसा बनाना, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा ब्लड को एयर ड्राई करने के बाद। वैसे ही सिमिलरली मैंने क्या किया, जो ह्यूमन ब्लड था इसको भी मैं ऐसा पाउडर जैसा बना दिया, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में हमें देना पड़ेगा NaCl देना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड देना पड़ेगा NaCl, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 और 2 क्रिस्टल ऑफ NaCl हम दे देंगे इसमें। तो इसको हमें एक तो चीज़ में ऊपर थोड़ा डाल के थोड़ा ही लेना है, क्योंकि सब तो दरकार नहीं है हमें, दो और एक और दो ही क्रिस्टल ही दरकार है हमें, इसलिए इतना गिर गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो वेस्ट होता ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं सफा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके पहले मैं इसको ढक्कन बंद कर देता हूँ। तो अभी क्या करना, आप देख सकते हैं ये जो NaCl है, यहाँ से हमें 1 और 2 क्रिस्टल ऐसे लेना है। हमारा जो क्वांटिटी है इस फिश ब्लड का थोड़ा ज़्यादा, इसलिए हम 1 और 2 लेते हैं क्रिस्टल। ये देखिए, इस फोर्सेप के सहायता से आप 2 क्रिस्टल ले लीजिएगा। मैं एक लिया और एक तो ले लेता हूँ, यहाँ में फिश में 2 क्रिस्टल, ये देखिए देख सकते हैं आप, 2 क्रिस्टल में दे दूँ कि मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए ये जो देख रहे हैं वाइट वाइट, ये 2 क्रिस्टल में ले लिया। उसके बाद उसे ही हम ह्यूमन ब्लड में भी दे देंगे, यहाँ मैं 1 देता हूँ, 1 अच्छा बड़ा क्रिस्टल यहाँ दे देते हैं। अब देखिए मैं 2 क्रिस्टल दे दिया, ठीक है। यहाँ मैं 2 दिया, यहाँ मैं 1 दिए, कारण इसका थोड़ा ये जो ब्लड है मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था फिश का, और ह्यूमन का 1 जैसे ड्रॉप जैसे लिया था ह्यूमन का, इसलिए यहाँ में 1 लिया, यहाँ में 2 लिया। से 1 और 2 ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपका वो जो क्या बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट होगा वो ख़राब हो जाएगा, आपका मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए अभी क्या करना है हमें, ये जो है इसको हमें पीसना पड़ेगा थोड़ा, तो उसको इसको भी पाउडर बना के इसके साथ, इसको भी पाउडर बना के इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा, इसको भी सर पीस के पाउडर बना के इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा। चलिए वो मैं इसके द्वारा करने वाला हूँ, इस फोर्सेप के जो पीछे का एंड पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट से हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसको मैं मिक्स कर दिया हूँ, वो NaCl को ब्लड के साथ मिक्स कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड देना पड़ेगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड देने के बाद हमें इसमें कवर स्लिप के सहायता से उसको ऊपर बंद करना है, उसको ऊपर ढक देना है कवर स्लिप से, ठीक है। पहले हम दे देते हैं एसिटिक, ग्लेशियल एसिटिक एसिड दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा ही देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखिए 1 ड्रॉप देने से भी होगा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं थोड़ा 2 ड्रॉप देने से भी हो जाता है और 1 ड्रॉप देने से भी हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, हो गया। अभी क्या करना है, इसे मैं बंद कर देता हूँ एसिटिक एसिड को, हो गया। अभी क्या करना है, हमें इसका ऊपर यदि आप चाहे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है,
थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। एसिटिक एसिड का स्मेल बहुत ही नाक जलाने वाला होता है, इसे मैं फटाक से बंद कर दिया उसको। यहाँ आप देख सकते हैं कितना पूरा एकदम, आप जब यूज़ करेंगे आपके आप मालूम चलेगा आपको तो कैसा उसका स्मेल है। अभी क्या करना है, ये कवर स्लिप को उसके ऊपर दे देना है। ठीक है, इसमें दे दिए। अभी किस में देना है, अभी ह्यूमन ब्लड के ऊपर देना है। थोड़ा ह्यूमन ब्लड का थोड़ा और थोड़ा ग्लेशियल एसिटिक एसिड देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ड्राई का जैसा हो गया है। हम दे देते हैं पहले फटाक से। अभी देने का बाद ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दे देते हैं ये कवर स्लिप दे देते हैं। हमारा मैक्सिमम काम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्पिरिट लैम्प के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके गर्म करना पड़ेगा। तो मैं स्पिरिट लैम्प को जला लेता हूँ, इसको साइड कर देते हैं हम लोग, जो अभी काम का नहीं है अभी साइड कर देते हैं। स्पिरिट लैम्प को हम जला लेते हैं। तो हमने स्पीड लैम्प को जला लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे इसको गर्म करना जब तक इसमें थोड़ा बबल्स क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, इसे डायरेक्ट नहीं देना है। तो थोड़ा कर देखते रहिए जो बबल हो रहा है कि नहीं। ये बबल आ गए तो हमें और उसका देखिए, अब तक बबल आया नहीं है तो हम इसको गर्म करते रहते हैं। थोड़ा दीजिएगा ऊपर, फिर हटा लीजिएगा, फिर थोड़ा दीजिएगा, फिर हटा लीजिएगा, ऐसा ही गर्म करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल आ चुका है, देखिए बबल आ चुका है। तो हमें ये हो गया, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये हो गया हमारा फिश ब्लड का। अभी करते हैं ह्यूमन ब्लड का, तो देते हैं साइड कर लेते हैं, फिर देते हैं साइड कर लेते हैं। ऐसे हमें करना पड़ेगा जब तक इसमें भी थोड़ा उबाल ना आ जाए, बबल्स क्रिएट ना हो जाए। बीच बीच में देखते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी बबल्स क्रिएट हो चुका है, देखिए देख सकते हैं बबल्स क्रिएट हो चुका है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ना होने से कुछ बात नहीं होगा। अभी क्या करते हैं, हम इसको अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इसको थोड़ा रख देते हैं साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए। हम इसको बुझा देते हैं अभी स्पीड लैम्प को। तो हमारा इतना काम हो चुका है, अभी इसको हम पूरा काम हो गया है। अभी इसमें क्या करना है, हमको ये जो स्लाइड है हमें देखना है अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो मैं माइक्रोस्कोप थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फिश ब्लड का हेमी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो मैं दिखाया था वो डायग्राम में। तो ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रोम्बिक शेप का जैसा है, थोड़ा स्टार लाइक शेप में भी थोड़ा थोड़ा है, उतना नहीं है, सब रोम्बिक स्ट्रक्चर में है। यह है फिश ब्लड का हेमिन क्रिस्टल। अभी हम लोग देखते हैं ह्यूमन का कैसा है शेप। तो यह है ह्यूमन का हेमिन क्रिस्टल, आप देख सकते हैं रोम्बोइडल प्लेट जैसा, आप देख सकते हैं लंबा लंबा देख सकते हैं वही है। और यहाँ उतना क्लस्टर स्टार लाइक का क्लस्टर का जैसा नहीं है जो हमें फिश ब्लड में मिला था।
ये मैंने जूम करके रखा हूँ। आप मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वाइड एंगल में दिखाता हूँ जो ह्यूमन ब्लड कैसा है। ये है, थोड़ा जूम करके हुआ है इसलिए आप देख सकते हैं ऐसा। थोड़ा मैग्निफिकेशन में थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, तो उतना स्टार लाइक शेप का जैसे नहीं है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी वाइड एंगल में। तो ये है ह्यूमन ब्लड का हेमिन क्रिस्टल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाइड एंगल में। तो ये देखिए, ये है वाइड एंगल में मैं दिखा रहा हूँ ह्यूमन ब्लड का। आप देख सकते हैं उतना क्लास्टर का जैसे नहीं है, थोड़ा स्केटर का जैसे हुआ हुआ है, और ये वो सब लंबा ना दें, वो सब रेम्बोइडल प्लेट जैसा वो हेमिन क्रिस्टल है। तो ये है ह्यूमन ब्लड का हेमिन क्रिस्टल। तो मुझे लग रहा है आप समझ चुके हैं जो कौन सा ह्यूमन का है हेमिन क्रिस्टल और कौन सा फिश का है, आप डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं क्या क्या हम लोग देखे हैं। ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा तो एग्ज़ाम में, तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं क्या क्या देख सकते हैं देखे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। चलिए, हाँ अभी हम लोग देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन, जो हम जो प्रैक्टिकल करने के बाद है, जो हम जब उसको देखें माइक्रोस्कोप में, तो क्या देखने को मिला हमें। यह देखने को मिला था हेमिन क्रिस्टल ऑफ फिश जो होता है, जो हेमिन क्रिस्टल ऑफ फिश इस सम रोम्बिक प्लेट स्ट्रक्चर में देखने को मिला, प्रिज्म स्ट्रक्चर में एंड सम स्टार शेप्ड क्लस्टर्स में हमें देखने को मिला, जो हमारे डायग्राम से मिल खाता है। हम वही देखे तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें माइक्रोस्कोप में फिश का हेमिन क्रिस्टल ये सब शेप में देखने को मिला, जहाँ ह्यूमन का रोम्बोइडल प्लेट ही होता है, रोम्बोइडल प्लेट स्ट्रक्चर में देखने को मिला हेमिन क्रिस्टल, सम सा स्टार शेप्ड क्लस्टर में देखने को मिला। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मतलब माइक्रोस में प्रैक्टिकल करने के बाद हम जब माइक्रोस्कोप में देखें हमें क्या क्या ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये सब हम लोग ऑब्जर्व किए हेमिन क्रिस्टल ऑफ फिश का और हेमिन क्रिस्टल ऑफ ह्यूमन का। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वेशन। लास्ट हम देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल का जो लास्ट जो पॉइंट है जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हम ये जो एक्सपेरिमेंट बाय ये टेस्ट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द ह्यूमन ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल। हम ये टेस्ट इसलिए करते हैं, जो कभी ह्यूमन ब्लड का जो रंग थोड़ा देख ऊपर से हम देखते हैं ह्यूमन ब्लड हो बा फिश का ब्लड, थोड़ा लाल ही देखने को मिलता है, लाल रेड कलर देखने को मिलता है। अभी कैसे जानेंगे ये ह्यूमन ही ब्लड है ना किसी दूसरे एनिमल का ब्लड है। तो इसलिए हम ये हेमिन क्रिस्टल प्रिपरेशन, जो हेमिन क्रिस्टल बनाने का ये एक्सपेरिमेंट ये टेस्ट करते हैं टू डिस्टिंग्विश द ह्यूमन ब्लड फ्रॉम द अदर एनिमल। हम कंपेयर करें कौन सा ह्यूमन का है और कौन सा दूसरे जानवर जंतु जानवर का है ब्लड। ठीक है, ये है पहला सिग्निफिकेंस। समझ लिया आप, समझ गए ना आप स्टूडेंट लोग, आप समझ गए ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ यूज इन फॉरेंसिक स्टडी। फॉरेंसिक स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कभी कुछ कभी क्रिमिनल ऑफेंस यदि हुआ, वहाँ यदि ब्लड गिरा हुआ, वो देखते हैं किसी का किसका ब्लड है, उसलिए हमें उसमें भी हमें फॉरेंसिक टेस्ट में भी हमें स्टडीज में भी हमें ये हेमिन क्रिस्टल का जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है हम लोग का, आप फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं क्या है लिखा, मैंने क्या लिखा है, जो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन एस HbS इन पेशेंट विच इज़ द एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल डिजीज। अभी पेशेंट के अंदर सिकल सेल का डिजीज़ है कि नहीं वो जानने के लिए हमें ये इस जो हेमिन क्रिस्टल का टेस्ट करना पड़ता है। सिकल सेल होता है जो ये हमारा जो ब्लड ऐसे राउंड थोड़ा होता है, स्लाइटली राउंड ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसे राउंड होता है और बीच में थोड़ा
ऐसा थोड़ा गड्ढा जैसा होता है, हमारा ह्यूमन जो आरबीसी है ऐसा होता है, बीच में थोड़ा गड्ढा होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, क्या होता है आप देख सकते हैं, ये जो ब्लड है ये ब्लड का ये ऐसा ऐसा शेप में आ जाता है, ऐसा शेप में आ जाता है, सिकल का जैसा शेप में आ जाता है। जो क्या होता है इस जो पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंटेड जो एन आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है दूसरे जो सिमिलर जो ब्लड होता है ब्लड सेल, इसको ऐसा इन लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद क्या होता है वो पेशेंट का ब्लड थोड़ा अटक जाता है, अटक जाने के बाद वो सिकल सेल डिजीज से डेथ हो जाते हैं उस पार्टिकुलर पेशेंट का। तो ये जो ब्लड का सेल का जो ये स्ट्रक्चर है इसको भी जानने के लिए हमें ये हेमिंग क्रिस्टल जो टेस्ट है ये करना पड़ता है, इसलिए इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन एस इन पेशेंट विच इज़ द एनॉर्मल हेमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल डिजीज। तो ये जो हेमोग्लोबिन जो एस है ये पेशेंट में पाया जाता है जो जो एक तो एडनॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है जिसका जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सिकल सेल डिजीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिस जो हमें ये हेमिन क्रिस्टल टेस्ट से पता चलता है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग अभी ये समझ चुके हैं पूरा प्रैक्टिकल, मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोग सब अच्छे से, आप सब स्टूडेंट अच्छे से समझ गए हैं जो कैसे हम लोग इस प्रैक्टिकल को कर सकेंगे और कर सकेंगे। तो मैं यहीं इस प्रैक्टिकल को एंड करता हूँ, इतना तक ही है इस प्रैक्टिकल। तो यदि आप मेरा वीडियो देख के आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी कभी मैं अपना नया वीडियो दूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने दोस्त व किसी पड़ोसी का भी शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो उनके लिए भी इजी होगा समझने में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।